अब हम बात करने जा रहे हैं सब ग्रुप की। नाम से कुछ लग रहा है, जैसे होता ना एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सभी राइट्स उसके पास नहीं होंगे, या होंगे लेकिन वो उसका छोटा वाला टुकड़ा है, मजिस्ट्रेट का छोटा वाला टुकड़ा है, ये होता ना। तो सब ग्रुप का मतलब एक ऐसा भाई एक ग्रुप होता है, ग्रुप को कैसे इंडिकेट करते हैं, जी एक सेट होता है जो किसी बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट होता है, याद करिए ग्रुप को, और ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन कौन सी, ये थोड़े याद है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार को करता है तो वो ग्रुप कहलाता है। और अगर वो कम्यूटेटिव को भी फॉलो करे, ए बी बराबर बी ए, तो उसी को हम कहते थे एबिलियन ग्रुप, याद है ना। एक प्रॉपर्टी को फॉलो करे केवल क्लोजर, तब क्या कहते थे, मोनाइट, मोनाइट कहते थे, ग्रुपाइट कहते थे। केवल क्लोजर, ग्रुपाइट, दो प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव, सेमी, आधी हो गई, चार ग्रुप चार करेगा, एक मिनट, ग्रुप चार करेगा तो दो करेगा आधा हो जाएगा ना, केवल क्लोजर, ग्रुपाइट, सेमी भी एसोसिएटिव भी करेंगे, सेमी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कर दे तो मोनाइट, और चारों कर दे तो ग्रुप, और पांचवी कर दे एबिलियन ग्रुप, याद है ना। तो ये कह रहे हैं कि जी एक ग्रुप है, अगर जी से एक सबसेट एच निकालू, मतलब पूरा जी ना लो, जी एक सेट है ना, जी क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर आपने एच इससे निकाला, यानी एच पूरा पूरा नहीं है, एच जी का सबसेट है, अगर एच भी उसी ऑपरेशन पर ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं, करना कुछ नहीं है। यानी कि आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कि अ नॉन एम्प्टी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब ऐसा हो एच आपने निकाला, बोले एच निकाला ये लो, ये थोड़ी करेगा, कुछ एलिमेंट ले लो, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एक्चुअली में सब ग्रुप के सबसेट को एच से लिखने की एक प्रथा रही थी, तो हम भी लिख रहे हैं एच ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड, ऐसा नहीं लिखो, हाँ ठीक, हम जी बाय नहीं लिखना चाहते, इज कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ जी, ये सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी इफ ये खुद ग्रुप हो, या यदि इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, यहां तो जी बाइनरी, अंडर द ऑपरेशन बाइनरी यूज्ड इन जी, यूज्ड इन जी बाइनरी, मतलब अगर आपने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर लिया और आपने ऑपरेशन प्लस का लिया, ठीक है, और आपने इसमें एक सबसेट एच निकाला इवन नंबर का, तो ऑपरेशन वहां भी क्या लिखेंगे, प्लस, वैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या ग्रुप है, प्लस के केस में है, अच्छा ठीक मान लेते हैं, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है उसमें, नेचुरल नंबर का मतलब एक नंबर को इसमें उठाओ, इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कर दो जो यही नंबर मिल जाए, जीरो नेचुरल नंबर होता है, यानी नेचुरल नंबर ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, अच्छा होल नंबर करता है, होल नंबर में जीरो शामिल होता है, होल नंबर करता है, दो में कोई ऐसा नंबर प्लस करो कि आपको जीरो मिल जाए, माइनस आएगा ना, क्या होल नंबर माइनस होता है, यानी होल नंबर ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, हाँ इंटीजर करता है, तो जैसे आपने इंटीजर को प्लस के केस में ग्रुप प्रूव कर दिया, तो उसमें से अगर आपने एक सबसेट निकाला एच, तो ऑपरेशन क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, और अगर इस प्लस के केस में वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जो ग्रुप ऑलरेडी करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब जरा एक
नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। यहां मैंने ऊपर लिखा इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब ग्रुप, ये अलग से वर्ड यूज किया गया है, जरा समझिएगा। जैसे मैं एक सब ग्रुप ले लूं ई, ई बोले तो एक सेट ई है, ई जो है ना वो सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्यों? आप ई बाइंडी ई करोगे तो ई आएगा, ई में बाइंडी ई करोगे तो ई आएगा, तो यानी लग रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको अगर आइडेंटिटी मानेंगे तो ई आएगा, अगर इसको आइडेंटिटी मानेंगे तभी ई आएगा, ठीक है। अच्छा, ई बाइंडी ई आ रहा है तो ई एक दूसरे के इनवर्स भी होंगे, यानी ई जो है ना अकेले सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ई है सब ग्रुप ई एंड ग्रुप जी, अगर ये दो चीजें ले ले, आर कॉल्ड, जरा बताइए अगर मैंने ई यहां पर उठा लिया तो क्या आपको, अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लिखूं तो क्या आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये ग्रुप है, दिखाना पड़ेगा ग्रुप है, ये अंडरस्टूड है ग्रुप हो गई होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने एक लैंग्वेज पढ़ी है बचपन से, पढ़ते हम आ रहे हैं, कक्षा दो तीन में नहीं, बड़े क्लास में थे, तो बीएससी के हिसाब से 9-10 बचपन ही होता है, कि अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि 2x plus 3y is equal to 0, 7x plus 8y is equal to 0, इसमें एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई 0-0 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0-0 आने वाला है क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं है। ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, जहां पर हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं एक ग्रुप जी ले लूं और उसमें से एक सब ग्रुप ई निकाल लूं, मैं सब ग्रुप में क्या करें, सबसेट निकालेंगे, सब ग्रुप ई निकाल लूं तो इसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, यानी एच इज सब ग्रुप इज कॉल्ड, जो आपने निकाला है उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, मतलब ये सब ग्रुप है और ये ग्रुप है, यहां से निकाला गया है, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इसे इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं या ट्रिवियल, ट्रिवियल सब ग्रुप कहा जाता है। ट्रिवियल का जो मेन हम मतलब पढ़ते आए हैं कि आपको यहां चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये उस रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने अनदर सब ग्रुप एन अदर सबसेट निकाला है, अनदर सब ग्रुप एच, सब ग्रुप एच अदर देन ई, अदर देन ई, अदर देन ई मतलब अदर देन ई, यानी को ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ई तो उसके अंदर हो ही होगा, केवल ई नहीं होगा, अनदर सब ग्रुप एच इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, या इसको हम नॉन ट्रिवियल कहते हैं, इसको कहा जाता है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, या इसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। मतलब अब आपको अगर इससे सब ग्रुप प्रूव करना है इन भाई साहब को एच को, तो आपको यहां पर जो आपकी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होती है उन्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ होता है ये बताएंगे।